और चलिए बात कर लेते हैं ओडिशा के बालासोर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे का जायजा लिया है। शुक्रवार रात हुए भीषण हादसे के बाद लगातार राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। सेना और एनडीआरएफ के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में साथ में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में लगे लोगों से बातचीत भी की है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान घटनास्थल पर ही मौजूद रहे। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की पूरी जानकारी दी है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद से ही बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय ने पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान भी कर दिया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के तमाम जो परिवार हैं उनके लिए 12 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान रेल मंत्रालय ने किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। पूरे हालात का, पूरे घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है। इस भीषण टक्कर के बाद आपको बता दें कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस सबके बीच हादसे की संयुक्त जांच रिपोर्ट भी सामने आई है और 3 तस्वीरें आपके सामने। जिस वक्त प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, रेल मंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से भी इस बाबत बातचीत की है। तो बालासोर में हुए इस हादसे के बाद आपको बता दें लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, लगातार ट्वीट भी लोगों के सामने आ रहे हैं। मंत्रियों की तरफ से इस पूरे मामले पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर इस हालात का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। ये लंबी बातचीत चली है जहां पर प्रधानमंत्री ने जाना और परखा और समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि बालासोर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये पूरा हादसा जो है वो विचलित करने वाला है, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बालासोर में दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे घायलों का हालचाल जानने के लिए बालासोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात की है, उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है, उनका ढांढस बंधाया। साथ ही साथ हादसे के वक्त घायलों तक मदद पहुंचाने वालों का शुक्रिया अदा भी प्रधानमंत्री ने यहां पर किया है। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बालासोर पहुंचे, इस रेल हादसे का उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही साथ कड़े शब्दों में उन्होंने इस हादसे की निंदा की है, कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ जरूर लिया जाएगा। हादसे की जगह पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, यहां पर तमाम जो राहत कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही ये कहा कि एकजुट होकर आप सभी काम कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। घटनास्थल पर मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने फोन पर कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से सीधे बात की। अधिकारियों से लोगों के अच्छे इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों का हालचाल भी जाना है। अस्पताल पहुंचे जहां पर तमाम मरीजों का इलाज चल रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को घायलों और उनके परिवार वालों को सभी प्रकार की आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए भी कहा है। हादसे की संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस भीषण हादसे के पीछे सिग्नल से जुड़ी हुई गलती की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे उन्होंने फोन पर अधिकारियों के साथ बातचीत की है
और जानने और समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने हादसे का पूरा ब्यौरा लिया है, पूरा जायजा लिया है। रेल मंत्री से प्रधानमंत्री ने विस्तार से इस मामले में बातचीत भी की है और फोन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। साथ ही कहा कि जो भी पीड़ित परिवार इस मामले से जुड़े हुए हैं, इस घटना से जिन लोगों का ताल्लुक है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुहैया जरूर करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। तो यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में इस पूरे मामले की निंदा की है। साथ ही कहा कि इस मामले में कड़े से कड़े एक्शन जरूर लिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने घायलों से उनका हालचाल भी जाना, अस्पताल का रुख किया और वहां पर तमाम जो मरीज थे उनसे उन्होंने बातचीत भी की है।